न्यूजीलैंड टूर ऑफ आयरलैंड 2022। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड गया है आयरलैंड के सामने ओडीआई मुकाबले खेलने के लिए। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं पहले ओडीआई मुकाबले की। अगर हम बात करें, ये जो मैच है ना, कैस्टल एवेन्यू डब्लिन में खेला जाएगा। अभी इसी मैदान पे इंडिया वर्सेज आयरलैंड के T20 मैच खेले गए थे। दूसरे T20 मैच याद होगा ना, जिसमें आयरलैंड 4 रनों से हारा था। कितना बहुत लंबे स्कोर का पीछा कर रहा था, 227-28 का पीछा कर रहा था, बस 4 रनों से हारा था। मतलब ये जो मैदान है ना, आयरलैंड को पसंद है। दोस्तों इसी मैदान पे न्यूजीलैंड के सामने पहला ओडीआई मुकाबला खेलेगा। तो आप ये भी जानते हैं, जो 22 गज की पट्टी होती है, जो मैदान होता है ना, वही तय करता है जो आज का मैच होगा वो कैसे चलेगा, कितना स्कोर बनेगा, क्या वो चेंज होगा या फिर डिफेंड होगा। दोनों टीमों में ऐसी कौन सी टीम है जो यहां की कंडीशन को अच्छे से पढ़ेंगी और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करेंगे, मैच अपने नाम पे कर लेंगे, या फिर दोस्तों दोनों टीमों में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो आज के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, सबसे ज्यादा विकेट निकालेंगे। अगर हमें इन प्लेयर का पता चल जाएगा तो जो हम और आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं उसके लिए विनिंग टीम बनाना आसान हो जाएगा ना। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं, कौन से प्लेयर फैंटेसी क्रिकेट के लिए बढ़िया होंगे या फिर कौन सी टीम आज का मैच अपने नाम पे कर सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए। बस पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देख डालें, आज के मैच की कहानी का आपको पता चल जाएगा। चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्या सोच रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो लाइक। जब आप लाइक करते तो यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है जान। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया है ना, बहुत ही फायदे में। आप सोच रहे हो अच्छा भाई ऐसा क्या टेलीग्राम पे, तो भाई साहब मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। 2-4 मैच में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा ना, आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी कौन सा देर हो गई, अगर आपको सभी मैचों में फायदे में रहना है ना, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। बस एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान। मेरे नाम पे बहुत ज्यादा नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए आपको करना क्या, बस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो चलो भाई लोग, सारी चीजों को अभी हम यहाँ से ना ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और जानते हैं जो आज के मैच की कहानी है ना वो कैसे चलेगी। तो कैस्टल एवेन्यू डब्लिन के मैदान पे अभी तक ओडीआई के 24 मैच खेले गए, जिसमें से टारगेट डिफेंड हुआ 9 मैच में और टारगेट चेंज हुआ 14 मैच में, और दोस्तों एक मैच टाई भी हुआ। यानी यहाँ के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होता है, टारगेट चेंज होता है। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 237 रन, टारगेट चेंज की बात करें 227 से नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेंज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 252 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 237 से 252 के बीच में टारगेट होगा, आप समझ जाना ये जो मामला है भाई साहब बराबरी का है, चेंज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। और दोस्तों आपको पता ना, जो चीजें मैं आपको बताता हूं कोई और नहीं बता पाएगा। इस मैदान का जो हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 381 रन, जो कि टीम वेस्टइंडीज के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 80 ऑल आउट, जो कि टीम नीदरलैंड के नाम पर है। अगर हम यहां के मैदान पे हाईएस्ट स्कोर चेज की बात करें 292 रन, जिसे बांग्लादेश ने आयरलैंड के सामने 2019 में किया था। लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें 163 रन, जिसे आयरलैंड ने अफगानिस्तान के सामने 2012 में किया था। दोस्तों आप देख सकते हैं इस मैदान पे जो हाईएस्ट टोटल है वो चेंज भी हुए, लोवेस्ट टोटल डिफेंड भी हुए, तो यहां के मैदान पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें 200 के नीचे फर्स्ट इनिंग में 9 बार स्कोर बन चुका है, 200 से 249 के बीच में 6 बार स्कोर बन चुका है फर्स्ट इनिंग में, 250 से 299 के बीच में फर्स्ट इनिंग में 7 टाइम स्कोर बन चुका है, 300 या इससे ज्यादा फर्स्ट इनिंग में 2 टाइम स्कोर बन चुका है। तो स्कोरिंग पैटर्न देखने के बाद क्या लग रहा है, यही लग रहा है ना, यहाँ पे जो मैच होते हैं ना ज्यादातर मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना ग्रोस है, लेकिन ग्रोस होने के साथ जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। मतलब यहाँ पे जो बॉल होता है ना, बैट पे बहुत अच्छे से आता है, जो बैट्समैन होते हैं बाउंस को टच करके अपने शॉट सिलेक्शन कर सकते हैं। जो हेल्प की बात करें तो थोड़ा बहुत जो स्पिनर गेंदबाज है उनको हेल्प करता है, बस थोड़ा बहुत, ज्यादा मत समझ लेना। इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो ज्यादातर मीडियम स्कोरिंग होते हैं। अगर हम आज के मैच की बात करें 240 से 260 के बीच में टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तो हो सकता है ये 300 के भी आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड थोड़ी सी बड़ी टीम है। और अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, तो आयरलैंड ने 17 ओडीआई मुकाबला खेला, 17 मैच में से 11 मैच जीता, बस 6 मैच हारे थे। मतलब कहीं ना कहीं आयरलैंड यहाँ के मैदान पे बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। वहीं दोस्तों टीम न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ के मैदान पे 2 मैच खेला, 2 में से 1 जीता 1 हार गया। मतलब न्यूजीलैंड यहाँ के मैदान पे 1 जीता 1 हारा, बराबरी का मामला है। आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करें तो ये दोनों टीमें यहाँ के मैदान पे पहली बार आमने सामने होगी। देखने वाली बात होगी, जब दोनों टीमें यहाँ के मैदान पे पहली बार आमने सामने होंगे तो कंडीशन को कौन अच्छे से पढ़ेगा और मैच को करेगा अपने नाम, देखने वाली क्या बात होगी। चलो देख ही लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आयरलैंड की। तो अगर हम यहाँ पे आयरलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें, पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बालवेनी, ये दोनों आपको ओपन करते नजर आएंगे। पॉल स्टर्लिंग की बात करें, जहां ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हैं वहीं एंड्रू बालवेनी संभल के खेलते हैं, जैसी जरूरत होती है वैसी परफॉर्मेंस करते हैं। तीसरे नंबर की बात करें, ग्रेट डैनली आपको खेलते नजर आएंगे। ग्रेट डैनली की बात
करते हैं काफ़ी संभल के खेलते हैं, ओडीआई के बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। चौथे नंबर पर हैरी टेक्टर, हैरी टेक्टर की बात करें यंग है लेकिन टैलेंट कूट कूट के भरा, अभी आपने इंडिया के सामने देखा ना क्या ज़बरदस्त पारियाँ खेल रहे थे हैरी टेक्टर। पाँचवें नंबर पर लॉर्कन टकर, लॉर्कन टकर की बात करते विकेट कीपर बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, उसके साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं लॉर्कन टकर। साठवें नंबर पर सिमी सिंह, ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो कि आपको लेग स्पिन करते हुए नजर आएंगे, इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पे बैटिंग भी कर सकते हैं सिमी सिंह। सातवें नंबर पर कुर्तिज कैंपर, कुर्तिज कैंपर की बात करते ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं और गेंदबाजी तो कमाल की करते करते। आठवें नंबर पर मार्क एडेयर, मार्क एडेयर दोस्तों बहुत अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं। नौवें नंबर पर जोशुआ लिटिल, जोशुआ लिटिल T20 में अभी थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे थे लेकिन ओडीआई में जोशुआ लिटिल काफी नपी तुली गेंदबाजी करते हैं। दसवें नंबर पर क्रेग यंग, क्रेग यंग की बात करें थोड़ा महंगे साबित जरूर होते हैं लेकिन हमेशा विकेट निकालते रहते हैं। उसके बाद ग्यारहवें नंबर पर जॉर्ज डॉकरेल, जॉर्ज डॉकरेल की बात करते भाई साहब ये भी काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। तो ये होने वाली है आयरलैंड के इस मैच की पॉसिबल प्लेइंग 11, इसके साथ हमने ये भी जाना कौन से प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। अगर हम यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल और टॉम लेथन ओपन करते नजर आएंगे। मार्टिन गुप्टिल बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और ओडीआई में बहुत बहुत रन बनाया इन्होंने। टॉम लेथन की बात करें तो बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज है, ये भी एक्सपीरियंस है, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं खास करके ओडीआई में। तीसरे नंबर पर हेनरी निकोल्स, हेनरी निकोल्स की बात करें तो काफी समझदार बल्लेबाज है, जैसी जरूरत होती है वैसी परफॉर्मेंस करते हैं। चौथे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स की बात करते इनको भी जब जब न्यूजीलैंड के टीम से मौका मिला बढ़िया परफॉर्मेंस करिए। पांचवें नंबर पर जैकब डफी को मौका मिल सकता है, जैकब डफी की बात करते एक बल्लेबाज ऑलराउंडर है, मतलब बल्लेबाजी तो बढ़िया करते हैं साथ में काम चलाओ गेंदबाजी भी कर सकते हैं। साठवें नंबर पर मिशेल सेटनर, मिशेल सेटनर की बात करते आप सबको पता है गजब के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मतलब इनके सामने रन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और जरूरत पड़ने पर जब फिनिश करने होता है बल्लेबाजी में तो बढ़िया फिनिश करके जाते हैं। सातवें नंबर पर मिशेल ब्रॉसवेल, मिशेल ब्रॉसवेल की बात करें तो गजब के विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे, इनको डेब्यू करने का मौका मिल सकता है न्यूजीलैंड की टीम से। उसके बाद आठवें नंबर पर लॉकी फर्गिसन, रफ्तार का सौदागर, लॉकी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप सबको पता है। नौवें नंबर पर मैट हेनरी, दोस्तों मैट हेनरी एक टाइम पे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन उसके बाद दोबारा से गायब हो गए थे, दोबारा से वापसी करी है, उम्मीद होगी कि पहले जैसा मैट हेनरी दिखे। दसवें नंबर पर आयस सोडी जो कि एक बहुत अच्छे लेग स्पिनर है, न्यूजीलैंड का जो स्पिन विभाग होता है वो आयस सोडी ही संभाल के रखते हैं। ग्यारहवें नंबर पर एडम मिलने, ये भी रफ्तार के सौदागर है, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम की बात करते चाहे बल्लेबाजी की बात करो या गेंदबाजी की बात करो दोनों जगह बेहतर नजर आ रही है। तो भाई लोग अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों को देखने के बाद बात करें ना तो जो मजबूत टीम नजर आ रही है वो न्यूजीलैंड नजर आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें होम कंडीशन का फायदा आयरलैंड को जाएगा, इसलिए मुझे लगता है जो आज का मैच है ना इस मैच में आयरलैंड के जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा मुझे लगता है, अगर मुझे लगता है आयरलैंड के जीतने के चांसेस ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं न्यूजीलैंड ये मैच जीत नहीं सकता या आयरलैंड ये मैच हार नहीं सकता। जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी वो मेरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में मिल जाएगी या फिर दोस्तों मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी इस मैच के ना वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं फैंटेसी क्रिकेट का। तो अगर हम यहाँ पे बल्लेबाजों की बात करते हैरी टेक्टर 10 मैच 468 रन काफी गजब के फॉर्म में है और दोस्तों मुझे लगता है आज के मैच में 60-70 की पारी हैरी टेक्टर खेलने वाले, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें। उसके बाद टॉम लेथन 10 मैच 445 रन, दोस्तों टॉम लेथन ना डब्लिन के मैदान पे 2 मैच खेला है 138 रन बनाए, मतलब टॉम लेथन गजब की फॉर्म में है और जो डब्लिन का मैदान है इनको पसंद भी है और इसलिए मुझे लगता है आज के मैच में जो टॉम लेथन है बढ़िया पारी खेलने वाले 80-90 रनों के, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें। उसके बाद दोस्तों मार्टिन गुप्टिल 10 मैच 415 रन, मार्टिन गुप्टिल ओडीआई के बहुत अच्छे बल्लेबाज है और आज के मैच में मुझे लगता है 60-70 रन की पारी ये खेलने वाले कौन, मार्टिन गुप्टिल, तो इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। एंड्रू बालबेनी 8 मैच 344 रन, एंड्रू बालबेनी की बात करें तो संभाल के रखा आयरलैंड टीम को, मुझे लगता है आज के मैच में 40-50 रन मारने वाले एंड्रू बालबेनी, तो इनको भी अपनी टीम में आप जरूर रखें। पॉल स्टार्लिंग, दोस्तों पॉल स्टार्लिंग डब्लिंग के मैदान पर 12 मैच खेला, 12 मैच में से 497 रन मारे, मतलब ये जो मैदान है पॉल स्टार्लिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आज के मैच में 50-60 रन ताबड़तोड़ मार सकते हैं कौन, पॉल स्टार्लिंग, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखें। वहीं गेंदबाजों की बात करें एंडी मैकबर्नी 10 मैच 17 विकेट, ओडीआई में आयरलैंड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है आज के मैच में 2-3 विकेट निकालने वाले कौन, एंडी मैकबर्न, तो इनको भी अपनी टीम में आप जरूर रखें। उसके बाद जॉस लिटिल 10 मैच 12 विकेट, थोड़ा सा ये ओडीआई में ना किफायती रहते हैं और इसके साथ 1-2 विकेट भी निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता है आज के मैच में जो इनकी परफॉर्मेंस होगी ना जोशुआ लिटिल के 1-2 विकेट निकाल के किफायती रहेंगे, तो आपको ये बढ़िया पॉइंट्स देने वाले, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें। उसके बाद मैट हेनरी 5 मैच 11 विकेट, मतलब सभी मैचों में 2-3 विकेट निकालते कौन, मैट हेनरी, और मुझे लगता है आयरलैंड के सामने 2-3 विकेट ये निकालने वाले आज के मैच में, तो मैट हेनरी को भी अपनी टीम में जरूर रखें। उसके बाद आयस सोडी 5 मैच 7 विकेट, दोस्तों आयरलैंड के जो बल्लेबाज है ना स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाते और मुझे लगता है आयस सोडी इस चीज का फायदा उठा के 2-3 विकेट निकाल सकते, तो आयस सोडी को भी अपनी टीम में जरूर
जरूर रखें। तो भाई लोग ये कुछ प्लेयर हैं जो मुझे लगता है आज के मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अपनी फैंटेसी क्रिकेट की जब टीम बनाए ना, जो प्लेयर के बारे में मैंने बताया, इनको एक बार ध्यान में जरूर रखें। बाकी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो ये रही मेरी टीम। मैंने ये टीम बनाई है ना बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाई। होता कि अगर वो सारी एनालिसिस मैं वीडियो में करने लग जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, आप बोर हो जाओगे, मैं थक जाऊंगा, इसलिए सारी एनालिसिस मैंने पहले कर ली, बस आपको परफेक्ट टीम बना के दी है। अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले, तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले आपको इस मैच की 3-4 टीम मिल जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान। मेरे नाम पे ना बहुत ज्यादा फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए और आपको पता जब सही जगह आएंगे तभी सही फायदा भी होगा। सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन ना करें, बस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच रिव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।